हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर आ रही है 68वीं बीपीएससी प्री से, क्योंकि अब जो है मात्र 22 दिन ही है जो कि लगभग परीक्षा में बचा हो। तो क्या ये परीक्षा है जो कि 12 फरवरी को होगी या टल सकती है, तो इस संबंध में एक अपडेट है जो कि आया है। और क्या अपडेट है तो ये आप देख सकते हैं, 20 जनवरी को है और ये जो है आपको आज ही जो कि थोड़ी देर पहले जो कि ये वेबसाइट पर है जो कि अपलोड कर दिया गया है। और इससे क्या संकेत मिलता है कि परीक्षा होगी अथवा नहीं होगा, ये स्पष्ट हो जाएगा। और ये अभी डाउनलोड हो रहा है और इसमें क्या है, अपात्र लोगों की है जो कि सूची, मतलब जो लोग एलिजिबल नहीं है उनके लिए जो कि सूची जारी किया गया है। और ये सूची आने का मतलब ये होता है कि ये परीक्षा जो है अब लेने की पूरी तैयारी चल रही है, मतलब अब ये टलने की संभावना खत्म हो गई है। क्योंकि आप देख रहे हैं लिस्ट अंडर एज्ड कैंडिडेट लेस देन 20 ईयर, मतलब कुछ लोग जो 20 वर्ष के पहले भी उभर लिए हैं, उनमें दो नाम है शोभा कुमारी और सत्यम कुमार का। और ये आप देख सकते हो उनका है जो कि उसके बाद क्या है, लिस्ट ओवर एज्ड कैंडिडेट जनरल एंड EWS मेन मोर देन 37 ईयर, मतलब EWS और जनरल के लिए 37 वर्ष एज है उसमें, देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है ओवर एज हो गए हैं जो लोग भरे हैं उनको जो कि एलिजिबल नहीं किया गया है। और ये संख्या है जो कि आप देख सकते 167 तक पहुंच गई है, 254, 345, 353 तक है जो कि पहुंच। उसके बाद दिया हुआ फीमेल कैंडिडेट कितने हैं जो 1/8/2040 है, उनको 40 वर्ष, मतलब बांट दिया गया है कितने हैं जो कि ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ भी है जो कि सारा कैटेगरी है जो कि आप लोग जो कि सर्च करके कम से कम एक बार जिनको डाउट है वो जरूर देख लें, जिससे कि क्या होगा कि इसमें जो आगे का प्रावधान है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है आपको नॉन एलिजिबल जो है, एलिजिबल नहीं है उसका जो कि दिया गया है। तो ये संकेत है जो कहीं ना कहीं जो कि बता रहा है कि आपकी परीक्षा जो है हर हाल में अब 12 फरवरी को होगी। उसके बाद एडमिट कार्ड का प्रोसेस जो कि चालू होगा। और ये लिस्ट है जो कि कहीं ना कहीं है जो कि, और इस बार जो है 68वीं बीपीएससी में पहली बार जो है आपको इस है जो कि ये नेगेटिव मार्किंग होगी। और कितने लोगों को जो कि किया गया है ये तो सूची आपने देखी, नोटिस में आप देख सकते हैं इसको। तो 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु कट ऑफ जो 1/8/2022 के अंतर्गत नहीं, 771 अभ्यर्थी है जो अनर्हित किए गए। अनर्हित उम्मीदवार अपनी अनर्हता पर यदि कोई आपत्ति आवेदन समर्पित करना चाहते हैं तो वे साक्ष्य मेल के साथ है जो कि अधोस्ताक्षरी के पद नाम से सिर्फ आयोग के ईमेल bpcc@nekin पर दिनांक 27/1 तक है जो कि भेज सकते हैं। तिथि के बाद अगर आपको लगता है कि भूल बस है जो कि भरा गया है, होता क्या कि कई बार भूल बस डेट ऑफ बर्थ भरा जाता है, तो आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाकर समर्पित करना चाहते हैं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ से आपत्ति है, अगर गलत भरा गया है या सर्वर डाउन के कारण या किसी ने गलत भर दिया, तो आप अपना सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जितने हैं मैट्रिक के, जैसे मूल प्रमाण पत्र के छाया प्रति लगा दे उसको सेल्फ अटेस्टेड, तो आप अपना आपत्ति दिखा सकते, देखिए गलत भरा गया। तो इससे क्या होगा कि आपको ऐसा कई बार हुआ कि आप इसमें निकल सकते हैं, इसमें कई लोग निकलते भी हैं जो सही रहेगा। तो आप लोग जो कि जिनका इसमें सूची में वो अगर रियल है तो आप कुछ नहीं करते, लेकिन गलती से हुआ है तो आप ये इससे निकल सकते हैं। और एडमिट कार्ड की अगर इस संकेत से देखा जाए तो लगभग है जो कि 27 जनवरी के आसपास है जो कि आपका एडमिट कार्ड, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये सूची जब खत्म होती है टाइमलाइन, तो उसके बाद एडमिट कार्ड है जो कि जारी कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो कि 27 जनवरी के आसपास जो है या इस महीने के अंत तक है जो कि आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएगी। और इस बार क्या सावधानी बरतना, नेगेटिव मार्किंग में ये सावधानी बरतना है कि आपको 150 के 150 प्रश्न जो कि बना सकते हैं, कोई बना ही नहीं है, लेकिन आपको उसमें पिक एंड चूज करना पड़ेगा कि आपको 130 बनाना है कि 140 बनाना है, किस तरह के प्रश्न रहेंगे।
ये हालांकि पैटर्न है जो कि चेंज नहीं किया, सिर्फ नेगेटिव मार्किंग। तो आप लोगों के लिए ये, इसमें पहले क्या था कि आपको 150 बनाना आए या ना आए क्वेश्चन, इस पर है जो कि अंतर है, और कट ऑफ पर है जो कि इस पर है जो कि असर है जो कि इस पर पड़ेगा। और निश्चित रूप से जो 113 108 जा रहा था, कट ऑफ जो है 100 से 105 फिर और जा सकते हैं। ऐसा UPPSC में हुआ था कि जैसे ही नेगेटिव मार्किंग आया तो कट ऑफ में काफ़ी अंतर आया था। यहाँ भी जो कि अंतर देखने को मिलेगा, हालांकि इसमें आसान नहीं है, और 69वीं में भी कहा जा रहा है कि ई ऑप्शन है जो कि हटाया जा सकता है, BPSC द्वारा कहा गया। हालांकि ये विचार किया जाएगा इस पर कि ई ऑप्शन रहे, लेकिन 68वीं में आपके 5 ऑप्शन रहेंगे। ये अच्छी खबर है, जो लोग अगर संशय की स्थिति में थे कि किसी कारण से परीक्षा टल सकती, कोई सुगबुगाहट नहीं है, ये एक तरह का कहे सुगबुगाहट हो गई है। अब हर हाल में परीक्षा जो है 12 फरवरी को, इसलिए जो लोग अभी आधे मन से तैयारी करते हैं वो पूरी मन से तैयारी करना शुरू कर दे। अब करेंट अफेयर्स हो गया, आपको बिहार स्पेशल हो गए, बिहार इकोनॉमिक सर्वेस, और खासकर बिहार के करेंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जिन विषयों से प्रश्न पूछा जाता है उसी पर जाए। ऐसा नहीं कि आप पूरा 20 दिन में आप बहुत ज़्यादा कवर कर सकते, जो आपने पढ़ा है जिन विषयों पर ज़्यादा है जो कि क्वेश्चन आते हैं उस पर जो कि ज़्यादा फोकस किया जाए। तो इसी के साथ